श्रीकाल जी, आज थानू मैं पीले चौल बना के दिखावांगी। इस विच पीले चौल आ एक कोली चौलां दी लई है, धो के रखे हुए आ एक कोली खंड दी आ, थोड़े जे काजू, थोड़ी जी सौ गई आ गरी आ कट्टी हुई आ, थोड़ा जिहा असीं पीला रंग पावांगे इस विच, पीले रंग दे बनावांगे जरदा, जिहनूं जरदा भी कहिंदे आ। हुण असीं गैस बाल लिया, असी हुण रिफाइंड पावांगे। रिफाइंड देसी घे च भी तुसीं बना सकते, डालडे घे च भी बना सकते, रिफाइंड च भी बना सकते। असी तीन चमचे चार चमचे पा दिंदे घे दे, रिफाइंड दे चार चमचे पाए आ। हुण असी थोड़ा जिहा रंग पावांगे पीला, चौल पा देवांगे। एक कोली चौलां दी पाई असीं इच, तां फिर उह हिसाब नाल दुगना पानी पाउणा आ। चौलां दे हिसाब नाल दुगना पानी पाता असीं, जे तो कड़ाही च बनाने फिर तो असी पानी वाधू भी पा सकते हो, क्योंकि कड़ाही च पानी छेती सुक जाता है। जे कुकर च बना तो फिर असी पानी पूरा ही पावांगे। एक कोली चौलां विच दो कोलियां पानी दियां, थोड़ा जिहा वाधू पा देवांगे। असी छे सत लौंग ले, भी असी इदा ही पा देवे बिच, एन चंगी तरह हो जूगे। थोड़ी जी असी सौगी पावे, थोड़ी सी गरी पावे, थोड़ा काजू पावे, एन चंगी तरह बिच हो जूगे पानी रिज दे। असी खंड बाद पावे। असी हम 10 मिनट वास्ते रखे थे चौल, चौल साढ़े हो चले आ, हिला के देख लेंगे। हूँ इस विच असी खंड पावांगे, आ एक कोली खंड पावांगे असी, एक कोली चौलां दी ते एक कोली खंड दी पई विच। असी इहनूं 5 मिनट फिर रखांगे, खंड मिक्स हो जूगी चंगी तरह, फिर साडे चौल तैयार हो जाणे आ। पांच मिनट वास्ते असी ढक दिंदे आ इहनूं। सिम कर देना बिल्कुल। देखियो चौल साडे हुण बन के तैयार हो गए आ।
चोल साढ़े बन के तैयार हो गए आ। साढ़े चोल कला कला हो गया, हूँ असी प्लेट च गार्निश करांगे।